आज मैंने बनाया है रोमन नंबर्स इन यूनिक स्टाइल। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वीर चौधरी है। तो आपने मैथ्स की एक्टिविटी रोमन नंबर एक्टिविटी बनाई है? यस सर। तो वीर चौधरी ने एक रोमन नंबर यूनिक स्टाइल में बनाया है। रोमन नंबर क्या होता है? सर रोमन नंबर वो होते हैं जैसे इंग्लिश के नंबर है 1 2, से हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर रोमन स्टाइल कुछ अलग होता है। जैसे ये हमने मैचस्टिक्स बनाया था, आयुषान है ये सर, ये 6 लिख रखा है, 3 मैचस्टिक्स में लगी, वैसे सर ये रोमन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से क्या समझाना चाहते हो रोमन नंबर में? सर जैसे ये 1 है, ये इंग्लिश में लिख रखा है, हाँ। तो इसे अगर उठाएंगे तो इसका रोमन नंबर दिख जाएगा। तो धीरे धीरे करके सभी दिखाइए। सर जैसे ये 2 इसका रोमन नंबर, 3 का रोमन नंबर, 4 का रोमन नंबर, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, और ये 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो रोमन एक्टिविटी बहुत अच्छी बनाई है। कौन बच्चा बताएगा कि रोमन एक्टिविटी का क्या फायदा हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। सर रोमन एक्टिविटी का ये फायदा हो सकता है कि जब अगर हमें जैसे छोटे बच्चों को नहीं करना आता प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें क्या होता है जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने बताया कि उसमें लाइंस लाइंस खिंच जाती है, उससे हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एक नंबर है। जैसे कि आपने वो भी एक्टिविटी, तो अगर जैसे हमें 3+3 करना है, किसी को नहीं आता, तो 3 लाइंस + 3 लाइंस करके टोटल अगर उसको हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 3+3=6, तो इससे हमें सम्स करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? चलो दूसरा बताइए बेटा। सर एक छोटे बच्चों को जब हम सम्स की सवाल देते हैं तो उनको होता है 1 अंडा 2 अंडा है, तो रोमन में भी ऐसी होता है, तो उनको ऐसे सम करना बहुत इजी होता है। और किसी को कोई बताए रोमन नंबर्स के बारे में? सबको वैसे पता है रोमन नंबर्स? यस सर। तो क्लैप कीजिए वीर के लिए। तो बहुत अच्छा बनाया बेटा आपने, आगे भी अच्छी से अच्छी एक्टिविटी आप बना के लेकर आए।